सुअर पशुपालकों को मुआवजा दिलाने जाने संयुक्त किसान मोर्चा का पड़ाव जारी। खबर मध्य प्रदेश रीवा से है, जहां पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सुनी समस्या। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा रीवा संभाग इकाई का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव पांचवें दिन जारी रहा। आपको बता दें, मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि इस संबंध में कलेक्टर रीवा से मीटिंग भी हुई थी, लेकिन अभी तक मृत सुअरों के संबंध में ना तो कोई सर्वे कराया गया है और ना ही मुआवजा मिला है और ना ही पशु चिकित्सक विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है, जिस पर जिला प्रशासन के वादा खिलाफी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे ने नेता पड़ा के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल निकले तो स्थानीय लोगों ने रोक कर उनसे अपनी समस्याएं बताई। नेताओं ने कहा कि सांसद विधायक महापौर सहित अधिकारियों का घिराव किया जाएगा। मोर्चों के खिलाफ संयोजक शिव सिंह ने कहा कि बसोर समाज की समस्याओं को लेकर विगत 5 दिनों से कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष मोर्चे का डेरा डालो घेरा डालो महापड़ाव चल रहा है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि समस्याओं के निराकरण के लिए आगे नहीं आया। मोर्चे के निर्णय लिया है कि शीघ्र सांसद स्थानीय विधायक महापौर DFO विटनरी विभाग के संचालक का घेराव किया जाएगा। आइए सुनाते हैं पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने क्या आश्वासन दिया है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मध्य प्रदेश रीवा से रोहित पाटिल की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, देखिए, बसोर समाज का पूरा जीवन यापन सुअर पालन और बांस के काम में जो है ना, इनका पूरा यही रोजगार का अवसर रहता है इनका, यही इसी में इनकी पूरी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। और जिस तरह से सरकार के इशारे पे बसोर समाज के लोगों ने सरकार को और लोगों की जनजीवन बचाने के लिए, लंपी वायरस से बचने के लिए अपने सारे जो सुअर है उनको नष्ट करने में सरकार का सहयोग किया, उस जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह से उनको आश्वस्त किया गया था कि हम सुअरों का उचित मुआवजा देंगे, और यहाँ तक कि वेट के हिसाब से बोला था कि हम उचित मुआवजा देंगे, पर जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह से गुमराह करके बिना लंपी वायरस के भी बहुत सारे सुअरों को यहाँ पे पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया है, आज इनका जीवन यापन पूरी तरह से उसी पे निर्भर था और पूरी तरह से इनको बर्बाद करने का काम किया है। और जिला प्रशासन इस तरह से इतना निरंकुश है, इतने दिन से गरीब इस तरह से भीगते बारिश में बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन सो रहा है, ये सरकार की अनदेखी है और कहीं न कहीं इसका खामियाजा इस सरकार को भोगना पड़ेगा। मेरा अभी कलेक्टर को लगाया तो उन्होंने उठाया नहीं है, हम उनसे भी बात करेंगे। राज्य जो मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं और प्रमुख सचिव हैं, इनसे भी बात करेंगे कि लंपी वायरस की वजह से जो भी बसोर समाज के सुअरों का जो नुकसान हुआ है, जो सरकार के द्वारा उनके निर्देश का पालन करने का जो काम किए हैं, उनको उचित मुआवजा जल्द से जल्द प्रदान कराएं, और इनके लिए आगे छोटे बच्चे भी जिससे ये फिर से सुअर पालन का काम शुरू कर सकें, उसकी भी व्यवस्था पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से तत्काल कराई जाए, जिससे ये अपना जीवन यापन आगे की ओर बढ़ा सकें।